मोना जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी पहले तो कुछ अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं, क्योंकि मैं भी पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ में बहुत मैं परिचित हूँ, किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। जब मैं 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की, मैं बधाई में नहीं की, मैं किन्नर हूँ, अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टोर लगाई L&T मॉल फेसवन इंडस्ट्री एरिया में, वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम है सर। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं, अब तो हाँ जी मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है, चाय खुद बनाती हैं और वो भी लोग बनाने वाले आपके साथ हैं? नहीं सर, मैं अकेली अपना काम करती हूँ। अच्छा, 6 से 10। हाँ जी, कितने कितने लोग दिन बनाते हैं, सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं आप? सर 6 बजे आ जाते हूँ, शाम की 10 बजे जाती हूँ। अच्छा, और हाँ जी स्वनिधि का आपको लाभ मिला? हाँ जी, बहुत लाभ मिला मुझे वहाँ पे। मुझे 10,000 की लोन प्राप्त हुई। जब मुझे पता लगा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत स्थिति मेरी खराब हो गई थी, कोई सपोर्ट में नहीं था, फिर मैं अकेली हो गई मैं, कि अब कहाँ से, अब कैसे दुकान करूँगी। फिर मुझे कॉर्पोरेशन तरफ से फ़ोन आया कि मोना जी आपका लोन आया हुआ 10,000 का। मुझे बहुत खुशी हुई मैं, कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ। फिर 10,000 का लोन लेके मैं अपना दुकान चालू की, उसके बाद 20 का हुआ, उसके बाद अभी 50 का सर चल रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना काम करने लगी, अपने पैरों में खड़ी हूँ। एक किन्नर मोना जी, अपना आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो UPI से पैसे देते हैं कि कैश पैसों का कारोबार ज़्यादा चलता है? नहीं सर, UPI से ही है सर, पेटीएम का सिस्टम है सर मेरा ज़्यादा। तो आपका अगर UPI से चलता होगा तो आपको और भी लोन मिल सकता है ज़्यादा, क्या बैंक वालों ने प्रयास किया आपको अधिक पैसे देने के लिए? हाँ जी किए सर। तो अभी कितना मिला दूसरी बार आपको? दूसरी बार सर 20 मिला था, अभी मुझे 50 मिल रखा है सर। अच्छा, जो भी चल तो रहा है। तीसरे राउंड तक पहुंच गए हो? हाँ जी, थैंक यू सर। आपने तो बहुत सफलता से काम किया और आप तीसरे राउंड पर पहुंच गए, तब तो अब तो ब्याज भी आपका जीरो हो गया होगा। हाँ जी, सब आपकी कृपया है सर। अच्छा आप बताइए, जब आपकी दुकान पर इतने सारे लोग आते हैं तो किन्नर समाज के लोग आते होते, वो पैसे देकर के चाय लेते हैं कि वो तो आपको दोस्ताना मोहब्बत दे लेते? नहीं सर, वो भी पैसे देती हैं, वो भी बहुत खुशी होती है कि मोना आप काम करियो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो आप में से प्रेरणा लेकर के और हमारे किन्नर जो लोग हैं वो कोई रोजी रोटी कमाने की दिशा में आगे आए हैं क्या? हाँ जी, बहुत कोई आगे हैं जी, अभी कोई बहुत कोई L&T मॉल के अंदर ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं जी। तो उनको भी स्वनिधि का पैसा मिला है? नहीं जी, उनको तो नहीं मिला है, वो तो मॉल में जॉब करती हैं। अच्छा। बाकी हमारी दो और हैं, विजेता जी है और एक डिम्पल जी हैं, वो भी अपना चाय का ही स्टॉल लगा रखे हैं, उनको भी मिला है जी। हाँ जी। तो मोना जी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? पढ़ाई सर 8वीं की हूँ। अच्छा, और मूल आप झारखंड से हैं? हाँ जी सर, रांची। अच्छा मोना जी, पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। हाँ जी। हमारी हर उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अब तक हाशिए पर थे। आपके काम और आत्मविश्वास ने एक बार फिर साबित किया है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। शायद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जो आसाम का रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर जितनी दुकानें हैं वो सारे किन्नर समाज के लोग चलाते हैं, रेलवे ने उनको दिया है और उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ जी, चलिए मोना जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी मेहनत और आपने इसको आगे बढ़ाया और तीसरे राउंड तक आपको लोन मिलना, 50,000 तक आप पहुंच गए, बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से आपको।